हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों, सुबह के अभी 6 बज रहा है और अभी मैं आ गया हूँ सड़क की तरफ घूमने, और साथ ही साथ इधर थोड़ा काम भी है। चलते हैं, पूरा वो वाला गाछी पेड़ दिख रहा है घना, उसी में पूरा रखा हुआ है, तो चलते हैं इधर से ले करके चलेंगे। दोस्तों, रात को थोड़ा सा बारिश आया हुआ था, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा हुआ है, तो चलते हैं उस गाछी में। तो दोस्तों, यही थोड़ा सा पूरा है, देख सकते हैं सौर गया हुआ है, पूरा देख सकते हैं पूरा सौर गया हुआ है। इसी में थोड़ा सा पूरा लेकर चलना है मुझे, तो देखते हैं घींच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों सारा हुआ है और गीला भी है। दोस्तों, अभी मैं गतैना बना लिया हूँ, पूरा का ही देख सकते हैं बना लिया, इसी में बांधेंगे तो घींच लेते हैं। तो अंदर में सूखा हुआ है, ऊपर से गीला है, तो घींच लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खींचना है, 2 पांजा कस के खींचेंगे। दोस्तों, अभी हमने सारा घींच लिया, देख सकते हैं इतना खींचा हूँ, थोड़ा सा ही खींचा हूँ, तो चलिए घींच लिया अभी। और जमका हुआ है पूरा, घींचने में थोड़ा सा रिक्स भी है, क्योंकि इसमें सांप भी हो सकता है, तो संभाल के खींचना पड़ा है। चलिए अभी उठाते हैं। दोस्तों, अभी उठा लिया पूरा को सर पे और लेकर चलते हैं घर पे। अभी आ गया घर और आकर के अभी पानी दोस्तों भर लिया, हम देख सकते हैं, और हम लोग बरस भी कर लिए, हम और श्रवण वहाँ पे रखे हुए हैं बरस को। तो अभी श्रवण नहाएगा और उसके बाद में मैं नहाऊंगा, तो पहले इसको नहा देते हैं। नहा करके 9 बजे से जाएगा स्कूल। हाँ, तो तू अपने नहीं है, चलते हैं दोस्तों, स्नान करके रेडी हो जाते हैं। अभी दोस्तों 7:30 हो रहा है, 9:30 हो रहा है दोस्तों, और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और चलते हैं। दोस्तों, आज का मौसम ठंडा है, हवा भी चल रहा है, तो चलते हैं देखते हैं आज कितना का सेल होता है। फर्स्ट बोनी होने के बाद फिर मिलते हैं। अभी हमने पहला गाँव ही घूमा हूँ और बोनी हो गया 300 का, 3 प्लाजो कुर्ती और फ्रॉक, 3 आइटम बिका है। तो चलिए दोस्तों, बोनी तो हो गया, लेकिन दोस्तों बोनी अभी पड़ रहा है और बादल भी लगा हुआ है, देखो इधर से काला काला हवा तो चल रहा है, लेकिन बुनी भी कई बार आ गया, थोड़ा थोड़ा अभी भी थोड़ा थोड़ा पड़ ही रहा है 1-2 को। तो चलते हैं, ऐसे व्यवस्था रखे हुए हैं ढकने के लिए। तो अभी बारिश आ गया है और यहाँ पे देख सकते हैं रखे हुए हैं, ढक दिए हुए हैं, और मैं तो पूरा तरह से गीला हो गया हूँ, तो छूट जाता है बारिश के बाद निकलते हैं। और इधर नाइटी ओढ़नी भी ले गया है, देखते हैं लेती है कि नहीं, क्योंकि रेट कम लगा रहा है, तो देखते हैं। ओढ़नी का रेट ठीक है, नाइटी का रेट गलत लगा रहा है, तो देखते हैं देगा, जितना बेचना है उतना देगा तो देगा, नहीं तो देखते हैं। और बाइक छूट रहा है तो फिर चलते हैं। फिर से गाड़ी लगा दी यहाँ पे, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी लगाने वाला जगह है, तो यहीं पे जगह था तो लगा दिया है। वो पन्नी जो खंडे हुए ना, तो वो काम कर गया, लेकिन इसको ढकने में ये भी काम कर जाता है। तो अभी थोड़ा सा बारिश कभी रुकता है कभी होता है, और आज दिया हुआ था 45% 50% बारिश, तो 11 बजे 12 बजे तो बारिश आ रहा है, तो देखते हैं कब तक छूटता है, छूटता है फिर उसके बाद में आगे देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, धूप आ गया है और बादल इधर से बहुत काला लगा हुआ है, काला काला, तो अभी चलते हैं दोस्तों। और सेलिंग बारिश होने के बाद भी मस्त हुआ है, तो फिलहाल चलते हैं अगला गाँव जो है ना मोहनी की तरफ, आज चलते हैं। दोस्तों, अभी हमने मोहनी गांव भी घूम लिया, मोहनी में 500-600 का सेल हुआ है, और दोस्तों अभी 4 बज रहा है, तो अभी चलते हैं दोस्तों, थोड़ा नाश्ता करेंगे और फिर मसाई की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, अभी टाइम 6:30 बज चुका है और अभी मसाई गांव में, पूरा मसाई गांव नहीं घूमा हूँ, आधा मसाई गाँव ही घूमा हूँ, और बिक्री बहुत कम हुआ है, टाइम पास ज़्यादा हुआ है, मोल भाव और टाइम पास ज़्यादा हुआ है, तो चलते हैं दोस्तों सीधे घर की तरफ। और सेल की बात करें तो सेल भी दोस्तों आज जास्ती नहीं हुआ है, बारिश काम खराब किया है, और टारगेट 5000 का था आज, लेकिन टारगेट 5000 नहीं हो पाया, लेकिन देखते हैं कितना हुआ है, अभी गिनती सही से नहीं किए हैं, घर पर चल के गिनती करेंगे तो पता चलेगा। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं घर पे। फाइनली दोस्तों, अभी आ गया घर, आते आते हो गया 7:30, तो अभी दोस्तों फ्रेश हो गया हूँ और चलते हैं। 1,500 रुपया गिनती करते हैं आज कितना हुआ है, क्योंकि आज तो टारगेट कम्प्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सेल ठीक ठाक हुआ है,
समझे, बारिश हो रहा था उस समय, तो मन कर रहा था आ जाने के लिए घर, लेकिन रुक गए। तो उसके बाद में आधा घंटे के बाद फ्रेश हो गया है, चलते हैं सबको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं रेचकिया ज़्यादा पड़ा है, ये वाला देख सकते हैं। तो सबको सरिया करके ये सबको गिनती पहले सरिया लेते सब। हाँ दोस्तों, अभी ये सारे रुपया सरिया लिया हूँ और ये वाला गिनती कर लिया हूँ। ये वाला देख सकते हैं, ये वाला 400 रुपया है, 430 रुपया ये वाला लेकर के, और इसको गिनती करते हैं कितना होता है, 430, और ये वाला गिनती करते कितना होता है, तो 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 4, तो 4 ये हो गया, 31 हो गया, 35, 3500 में से मैं 240 रुपया लेकर गया हुआ था, 240 माइनस करेंगे, कहाँ से लेंगे बाबा दादा। तो सरवन हमको फूफी दिया खाने के लिए, दे सकते हैं तो खाएंगे। 3400 है, 3500 में से दोस्तों मैं 240 रुपये लेकर गया था, तो 3500 माइनस 240 तो हो जाएगा कितना, 3300, 3250 का सेल हुआ है। सेल दोस्तों ठीक ठाक हुआ है, बारिश नहीं होता, उल्टा घुमा हूँ, जिस तरफ से घूमने का सोच रहा था लेकिन बारिश की वजह से वो उधर से ना घूम करके दूसरे तरफ से घूमा हूँ, और जिस तरफ से मैं सोचा हुआ था उधर से घूमता तो सेल हो जाता ठीक ठाक, क्योंकि ग्राहक रहता है उस समय में, लेकिन उल्टा घूम के आया हूँ तो जिधर ज़्यादा बिक्री होता है उस समय, लास्ट में आया हूँ शाम के समय में मसाही की तरफ, तो उधर नहीं बिक्री हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं, एक फूफी वो खाएंगे, और उसके बाद में अभी खाना भी दोस्तों आ गया है इधर, दे सकते हैं रोटी भुजिया है और दाल है, दे सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, खाना खाते हैं, और दोस्तों आज का इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।